नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आज का अकोला का दिन आंदोलन के नाम है। एक तरफ हजारों सरकारी और नीम सरकारी कर्मचारियों की जूनी पेंशन को लेकर आंदोलन, वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का बालापुर के विधायक नितिन देशमुख द्वारा अकोला जिले के 69 गांव को जलापूर्ति करने की योजना के काम को निलंबित किए जाने को लेकर विधायक नितिन देशमुख का विधान भवन के सामने धरने पर बैठे, इसी को लेकर अकोला में शिवसेना द्वारा समर्थन में आंदोलन। इसी के साथ कांग्रेस द्वारा राशन कार्ड धारकों के अनाज को कम किए जाने को लेकर हजारों लोगों के जिलाधिकारी कार्यालय पर हल्ला बोल किया गया। गरीब जनता के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया गया, जिसकी वजह से आज पुलिस के पसीने छूट गए। हालांकि पुलिस ने बंदोबस्त में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन जिस तरह से हजारों की संख्या में आंदोलनकारी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, पुलिस को काफी मशक्कत यहां करनी पड़ रही है। देखिए शाहिद इकबाल की रिपोर्ट।